वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं WNBA का जो मैच खेला जाने वाला है कनेक्टिकट सूंस वर्सेस लॉस एंजल्स फास्ट के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट जो मिलेंगी वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी देकर रखी कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। अगर लाइनअप में कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो सेम टीम फाइनल रहेंगे, उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लेकिन फाइनल टीम नहीं दूंगा, वीडियो में ही आपको फाइनल टीम मिल जाएंगे। उसका रीज़न ये, अगर टेलीग्राम चैनल पर मैं टीम आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कर दूंगा तो बाकी चैनल वाले कॉपी करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा क्लैश होता है। अभी लास्ट मैच देख लेना, वीडियो टीम फाइनल थी और चार मेंबर तक हमने यहाँ पर क्लैश नहीं किया था, तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो वीडियो टीम है वो ऑलमोस्ट फाइनल होती है। तो वीडियो टीम सेव कर रख लेना, अगर इस टीम में चेंजेस होते तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करवा दूंगा। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। सबसे पहले दोनों टीम में कंपैरिजन, पिछले चार में से एक ही मैच लॉस के साथ आ रही है कनेक्टिकट सूंस, तो कनेक्टिकट सूंस आज का मैच अपने होम में भी खेल रहे, तो आज के मैच से लिए एक विनिंग स्ट्रांग टीम है। लॉस एंजल्स फास्ट का परफॉर्मेंस अभी तक इतना अच्छा रहा है नहीं, पिछले चार में से बस एक ही मैच इस टीम ने विन किया है और अवे मैचेस खेल रहे, तो अपने फेवरेबल में ये मैच नहीं है। कनेक्टिकट सूंस अपने फेवरेबल में मैच खेल रहे, तो कनेक्टिकट सूंस आज के मैचेस के लिए विनिंग स्ट्रांग टीम है। इसका रीज़न ये है कि आप एक तो मैच वन साइडेड लूँगा या फिर कनेक्टिकट सूंस आपको क्लोज मार्जिन से ये मैच विन करती हुई देखने को मिलेंगी। अगर कनेक्टिकट सूंस अपने होम में यहाँ पर स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली इस टीम की तरफ से इनके जो होम प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको कर देंगे। तो स्टार्टिंग लाइनअप इंपॉर्टेंट रहेंगे, ताहे सारी स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजीशन से कैरिंगटन, पावर स्मॉल फॉरवर्ड बॉनर, पावर फॉरवर्ड एलिस थॉमस और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे आपको बाइनरी जॉन्स। टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है तो वो है एलिस थॉमस। एलिस थॉमस इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि फंटेसी वैल्यू इनके लिए बहुत ज़्यादा है, पॉइंट भी देंगे, रिबाउंड भी देंगे, असिस्ट भी देंगे और स्टील और ब्लॉक से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर कर देंगे। स्पेशली यहाँ पर ये रिबाउंड काफ़ी अच्छे कलेक्ट करती है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और होम मैचेस में खेले तो शूटिंग इतनी अच्छी इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन डिफेंस वाली बहुत ज़्यादा फंटेसी पॉइंट देकर चले जाते हैं, तो ये एसपी चॉइस के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस। सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो है यहाँ पर बोनर। शूटिंग में आपको हर एक मैचेस में शूटिंग से भी परफॉर्मेंस देकर देंगे और रिबाउंड भी कलेक्ट करते रहती है। लास्ट मैचेस थोड़ा सा यहाँ पर इनका शूटिंग इतना अच्छा रहा नहीं था, लेकिन प्लेयर इंपॉर्टेंट है, हर एक मैचेस में आपको परफॉर्मेंस देकर देंगी। बाकी के जो भी प्लेयर है वो अच्छे प्लेयर है लेकिन क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, ये दोनों प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर इनको मैं दोनों को मैं अपने टीम में रखने की कोशिश करूँगा। बाइनर जॉन्स भी एक अच्छी प्लेयर है, लास्ट मैचेस में अच्छा कर करा रहे। हैरिस भी एक ऐसे प्लेयर है जो अगर यहाँ पर शूटिंग इनकी अच्छी हुई तो आपको बहुत सारे पॉइंट देकर चले जाएंगे। कैरिंगटन पर भी ध्यान रखना, ये भी शूटिंग से अच्छे प्लेयर है लेकिन 15 क्रेडिट के प्लेयर है जो कि रेगुलरली आपको इतने अच्छे परफॉर्मेंस देकर देंगे नहीं। एलिस थॉमस और बॉनर ये दोनों ऐसे प्लेयर है जो कि 10 में से आपको 8 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, बाकी के जो प्लेयर है वो 10 में से 5 मैचेस में आपको परफॉर्मेंस देंगे, तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट। अभी मैच वन साइडेड होने के भी चांसेस रहेंगे क्योंकि सामने वाली टीम थोड़ी सी वीक टीम है, तो बेंच प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेंच से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लेयर रहेंगे वो रहेंगे टिफनी मिचेल, उसके बाद रिचा बहम और नेल्सन ओड़ा जो कि यहाँ पर बैकअप सेंटर पोजीशन से खेलेंगे। बाकी ये दोनों जो प्लेयर है वो शूटिंग से आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। और ताय सारी जो थे यहाँ पर बॉल हैंडलिंग भी टिफनी मिचेल जो है तो बॉल हैंडलिंग भी करती है, तो आपको कभी कभी यहाँ पर असिस्ट से भी परफॉर्मेंस यहाँ पर ये प्लेयर दे सकती है। रिचा बहम और नेल्सन ओड़ा इन तीनों प्लेयर पर आप फोकस रख लेना, तीनों क्रेडिट से हो रहे हैं, हाई क्रेडिट इशू वाला मैच है, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी ये तो हुआ यहाँ पर कनेक्टिकट सूंस। सेकंड साइड लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो अवे मैचेस खेलने वाले वो है यहाँ पर लॉस एंजल्स पार्क। टीम की तरफ से जो स्टार्टिंग लाइनअप है रेगुलरली स्टार्टर की तरफ से परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, कैलेंड्रॉन इंजरी से बैक हुए और जब से यहाँ पर बैक हुए अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं, एक लिमिटेड टाइम के साथ खेले, किया नर्स का भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं। दोनों शूटिंग के प्लेयर है और दोनों शूटिंग के प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, यही रीज़न है कि यहाँ पर ये टीम हार कर आ रही। बाकी इस टीम का फ्रंट कोर जो है तो वो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। ब्रिंक ब्लॉक भी काफ़ी अच्छे निकालते, स्टील भी काफ़ी अच्छे निकालते, जैक्सन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और हैम्बी की शूटिंग कंटिन्यूसली अच्छी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है इस सीज़न में और रेगुलरली स्पार्क्स के लिए एक स्टार प्लेयर बनकर आई है और रेगुलरली इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। टीम की जो मेन प्लेयर है वो है यहाँ पर हैम्बी, इस प्लेयर पर फोकस रख लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है तो वो यहाँ पर कैन ब्रिंक, लेकिन इनके लिए इशू ये है कि यहाँ पर ये डिफेंस में यानी ब्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसके चलते ये कभी कभी फाउल भी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करती है और फाउल अगर कोई प्लेयर ज़्यादा अटैम्प्ट करता है तो उसको कम
टाइम मिलता है। ये ब्लॉक के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली फाउल ज़रूर करेंगे और सामने वाले टीम जो है तो वो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो मैं ब्रिंग को यहाँ पर ड्रॉप करने का रिस्क आज के मैचेस में भी ले रहा हूँ। लास्ट मैचेस में अच्छा किया है, ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए अच्छी पिक। रिजी जैक्सन का पिछले दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस आया, लेकिन आज के मैचेस के लिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। क्यों पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि ये प्लेयर आज के मैचेस में फ्लॉप हो सकती है। 9.5 क्रेडिट के प्लेयर है और मोस्टली यहाँ पर सबके पास रहेंगे, लेकिन आज क्रेडिट मुझे क्रेडिट भी बचाने थे, इसके वजह से भी मैंने इनको ड्रॉप किया है। और मुझे लगता है आज के मैचेस में ये फ्लॉप हो सकती है, तो इसके वजह से भी मैंने यहाँ पर जैक्सन को ड्रॉप किया है। किया नर्स फोकस करना ग्रैंड लीग के लिए, कैलेंडरन फोकस रखना ग्रैंड लीग के लिए, दोनों स्टार्ट करें, लेकिन टाइम इतना अच्छा मिल नहीं रहा है दोनों को, इसी वजह से यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप किया है। और लास्ट मैचेस में वैसे भी कैलेंडरन का परफॉर्मेंस शूटिंग से भी इतना अच्छा रहा नहीं था, दो शॉट्स लिए थे, दोनों इन्होंने मिस किए थे और अभी तक इनको अच्छा टाइम मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेंच प्लेयर अलेक्सी ब्राउन एरिक मैकडोनल्ड ये दोनों अच्छा कर चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों को कम टाइम मिल रहा है, कैलेंडरन और कियानर्स का, तो इन दोनों को ड्रॉप आप ऑब्वियसली कर चले जाना स्मॉल लीग के लिए। बाकी स्मॉल लीग के लिए आपके लिए सेफ जो चॉइस रहेंगी वो रहेंगी रिकी जैक्सन और हैम्बी, इन दोनों को आप अपनी टीम में रख लेना। इस टीम की तरफ से बैंक से जो रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं वो देकर आ रहे हैं एरिक मैकडोनल्ड, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और एक प्लेयर है सेंटर पोजिशन से यूरा, जो कि यहाँ पर चाइनीज प्लेयर है, इन पर यहाँ पर फोकस रख लेना, पॉइंट रिबाउंड दोनों सेक्शन से अच्छा कर चले जा रहे, 6.5 क्रेडिट की बहुत अच्छे प्लेयर और ग्रैंड लीग खेल रहे और इसके साथ खेल रहे, तो लेक्सी ब्राउन आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक डिसेंट सी चॉइस रहेंगे। क्रेडिट सेवर में आपको और एक प्लेयर मिलेंगे, वो है आपको स्टेफनी टैलबॉट, अगर मैच वन साइड लिया हुआ तो टैलबॉट को अच्छा टाइम मिलेगा और उसकी वजह से आपको अच्छे पॉइंट भी दे सकती है। इवन अभी तक इनकी तरफ से इतना अच्छा आए नहीं, लास्ट मैचेस में इन्होंने एक ही शॉट्स लिया था, वो भी उनका कनेक्ट हो गया था, उसके बाद भी इन्होंने शॉट्स नहीं लिया, तो यहाँ पर शूटिंग के अकॉर्डिंग ये प्लेयर अभी तक इनफॉर्म नहीं है, ज़्यादा शॉट्स के लिए यहाँ पर जाती नहीं, डिफेंस में यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर रही है, तो यहाँ पर टैलबॉट के जो पॉइंट देने के चांसेस है वो थोड़े से कम है, लेकिन एज अ क्रेडिट सेवर चाहो तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अभी फाइनल जो टीम है वो ड्रीम इलेवन और विजन इलेवन दोनों के यहाँ पर मैं आपको बना कर दूंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उन पर मैंने फोकस रखने की यहाँ पर कोशिश की, एक तो यहाँ पर ये तो मैच एक तो कनेक्टिकर्स विन करेंगे, तो कनेक्टिकर्स की तरफ से दो इंपॉर्टेंट प्लेयर एलिसा थॉमस और बॉनर, इन दोनों को मैंने अपने टीम में रखा है। बाकी इंपॉर्टेंट और एक प्लेयर है, हम भी रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर को मैंने अपने टीम में रखा है। मैच वन साइड होगा तो यहाँ पर हम भी की जगह पर आपको और बेंच प्लेयर खेलते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो बेंच प्लेयर पर भी मैंने यहाँ पर फोकस रखा है। जहाँ पर एरिक मैकडोनल्ड को मैंने अपने टीम में रखा है, जो कि पॉइंट गार्ड से एक प्लेयर आ जाएंगे। यहाँ पर कैरिंगटन को मैं अपने पे टीम में पिक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट मेरे को अलाउ नहीं करेंगे, रिचा बहम मेरे टीम में रहेंगे, टिफनी मिचल जो कि यहाँ पर कनेक्टिकर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा टाइम खेलते हैं बैंस है वो मेरे टीम में रहेंगे। किया नर्स स्टार्ट करें, ये आपके लिए डिसेंट सी चॉइस रहेंगे, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। रिकी जैक्सन मुझे लगता है फ्लॉप होंगे और वैसे भी आप पर क्रेडिट इशू है, तो इनको मैंने ड्रॉप किया है, उनकी जगह पर मैंने नेल्सन ओडा को ट्राई किया है। और स्टेफनी टैलबॉट इनकी तरफ से ज़्यादा मुझे तो वैसे भी उम्मीदें नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट बचे नहीं है, तो स्टेफनी टैलबॉट को मैंने अपने टीम में रखा है। ये मेरी डेमो ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ पर जो मेरे कैप्टन रहेंगी वो रहेंगे यहाँ पर एलिस थॉमस और वाइस कैप्टन जो रहेंगी वो रहेंगे हैम्बी, ये दोनों मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक रहेंगे। अभी जो विजन एलेवन की टीम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विजन एलेवन के लिए सबसे ज़्यादा मैंने सेम प्लेयर पर फोकस किया है, जो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक तो यहाँ पर कनेक्टिकर सोन्स आज का मैच विन करेंगे, तो बोनर और एलिस थॉमस दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर, और सेकंड साइड जो वाइस कैप्टन है वो हैम्बी को मैंने यहाँ पर अपने टीम में रखा है। ये तीन प्लेयर जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन तीनों को मैंने अपने टीम में रखा है। उसके बाद एरिक मैकडोनल्ड फिर से पॉइंट गार्ड पोजीशन से मैंने इन पर फोकस रखा है, क्योंकि बैंस के लिए रेगुलरली पॉइंट और असिस्ट दोनों सेक्शन से परफॉर्म दे रही है, ताई सारे से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनसे कम क्रेडिट में मुझे उनके ही लेवल के प्लेयर मिल रहे, तो उनको मैंने अपने टीम में रखा है। अगेन यहाँ पर कैरिंगटन को मैंने ड्रॉप किया है और उसी के साथ साथ बाम के साथ गए एज ए क्रेडिट सेवर। बोनर मेरी टीम में रहेंगी, यहाँ से मिचेल मेरे टीम में रहेंगी, बचेंगे 13 क्रेडिट में यूरिया, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म दे रही है, चाइनीज प्लेयर है, एज ए यहाँ पर फ्रंट कोर्ट प्लेयर खेलेंगे तो वहाँ पर आपको रिबाउंड देकर भी देंगे। नेल्सन ओडा जो कि कनेक्टिकर्स की तरफ से रेगुलरली परफॉर्मेंस दे रही है। ये मेरी विजन एलेवन की टीम, सेम यहाँ पर जो कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे एलिस थॉमस, वाइस कैप्टन रहेंगे हैम्बी, दोनों विजन एलेवन और ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम मैंने आपको देखकर रखी है, दोनों टीम सेव कर रख लेना। लाइनअप में कोई चेंजेस होता है तो फाइनल टीम मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लेकिन अगर लाइनअप सेम रही तो सेम टीम मेरी फाइनल रहेंगी, और सेम टीम अगर मेरी फाइनल रही तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको वही मिलेंगे लाइनअप आने के बाद। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको ऑलरेडी देकर रखी है कमेंट बॉक्स में। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।